तो स्टूडेंट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, व्हाई एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन। जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म अगर सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है तो उसमें हमें एक्टिवेशन एनर्जी की क्या ज़रूरत है। सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन बच्चों होती है सेम मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में, मेटल चेंज नहीं है। तो ऐसा होने से क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन ही क्यों बन रहा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिफरेंस नहीं हो रहा है इनमें, क्योंकि खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो ये 3+ बन गया और ये 2+ बन गया रिडॉक्स रिएक्शन में। तो जो रिएक्टेंट यहाँ पर है वही प्रोडक्ट है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी हमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी की क्या नीड है, तो उसी को थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की यहाँ पर नीड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आते हैं जो फ्रैंक कोडोन, उन्होंने एक प्रिंसिपल कहा, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होगी। तो पहले समझते हैं फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल है क्या और वो किस तरह से कह रहे हैं कि इन रिएक्शन में जस्ट इलेक्ट्रॉन ऐसी ट्रांजिशन नहीं हो जाएगा, हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ वायोलेशन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा उसको यहाँ पर देखते हैं बच्चों, समझते हैं। तो फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल कहता गया है, फ्रैंक कोडोन ने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर मच मोर रैपिडली देन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, सो दैट द बॉन्ड डिस्टेंस डोंट चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, वो इतना फास्ट होता है, इतना तेजी से होता है कि उनकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती ड्यूरिंग ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो जिसकी जो बॉन्ड लेंथ है वही बनी रहती है। ये सिंप्लीफाई करने के लिए, ये छोटकू है, ये लंबू है, तो इसकी हाइट लंबी है, इसकी छोटी है, लेकिन इनकी सोल जो आत्मा एक्सचेंज हो गई, लेकिन छुटकू की यहाँ चली गई, लंबू की यहाँ चली गई, है ना, एक्सचेंज हो गया सोल का, लेकिन लंबू लंबू बना रहा, छुटकू छुटकू बना रहा। ड्यूरिंग सोल के ट्रांजिशन में ऐसा नहीं है कि इसकी छुटकू की सोल यहाँ आ गई तो ये छोटा हो जाए और लंबू की इसमें आ गई तो इसकी हाइट बढ़ जाए, नहीं, और सोल का एक्सचेंज इतना फास्ट होगा कि इनकी बॉन्ड इनकी जो लंबाई वही रहेगी। तो इसी तरह कुछ कि बॉन्ड लेंथ जो है उनका चेंजेस नहीं आएगा जिस समय इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा होगा। तो ये फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल कहता है। तो इससे फिर क्या फ़र्क पड़ा है, छुटकू लंबू क्यों एग्जांपल लिया बच्चों मैंने, क्योंकि 3+ रहेगा कॉम्प्लेक्स का, मेटल का चार्ज 3+ रहेगा, तो उससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, क्योंकि लिगैंड होता है निगेटिवली चार्ज, या फिर निगेटिव डायपोल उधर रहेगा, ये 3+ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, क्योंकि ये क्या है 2+ है, इसके कंपेरिजन में ये लंबा होगा, ये लंबू होगा, ये छोटू होगा। सपोज हमने माना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया, इन्होंने कोई एनर्जी की नीड नहीं पड़ी, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया, एक्टिवेशन की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ऐसे ही हो गया, पहले ऐसा मान के चल रहे हैं, फिर उसको वायलेट करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ हुआ तो फ्रैंक कोडोन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया लेकिन इनकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी, तो ये बन गया 3+, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, लेकिन ये लंबू है तो लंबू बना रहा, 3+ है फिर भी लंबू बना रहा, इधर इलेक्ट्रॉन आ गया 2+, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांजिशन बॉन्ड लेंथ चेंज होने नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा 2+ बन जाएगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल ऐसा कहता है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, छोटी रहेगी, लेकिन नेचुरली इनकी ये नेचर तो है नहीं, 3+ होना चाहिए छोटो छुटको, ठीक है, उसको लंबू नहीं होना चाहिए, तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, वो क्या करना चाहिए, स्ट्रेच अपने आप को कंप्रेस करना चाहेगा नॉर्मल स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट में है इस समय, तो ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसे ही ये अपने आप को स्ट्रेच करेगा क्योंकि नेचुरल स्वभाव है नहीं, मतलब ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट में मतलब अपनी बॉन्ड लेंथ को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट में जाना चाहेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ हो गया रहा है, हम एक्स्ट्रा इनपुट नहीं दे रहे हैं, खाली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है लेकिन एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि एनर्जी को जनरेट नहीं किया जा सकता, तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रांजिशन नहीं कर सकता, नहीं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन हो रहा है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जा रहा है, ये भी इसकी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जा रहा है, फिर वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगी तो एनर्जी को रिलीज करेंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की नीड की जरूरत पड़ेगी। तो फिर इसका क्या सजेशन है, कि यहाँ सजेशन ये है कि इसको रीओरियंट होना पड़ेगा, इसको थोड़ी सी अपनी बॉन्ड लेंथ छोटी करनी पड़ेगी, इसको थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ क्या करनी पड़ेगी, लंबी करनी पड़ेगी, दोनों सेम बॉन्ड लेंथ के हो जाएंगे, तो जो टी टू जी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, अब उनके ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई, इसका ऑर्बिटल
और इसका ऑर्बिटल अब सेम एनर्जी के आ गए, तो पहले ये रीओरियंट होंगे फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ठीक है, और उसके बाद वो अपने आप अपनी नॉर्मल स्थिति में फिर जाएंगे, वो अपनी बॉन्ड लेंथ लंबी कर लेगा, वो अपनी बॉन्ड लेंथ छोटी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं मान सकते कि इन दोनों को बिना अपने आप को रीओरियंट के, बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाए, नहीं तो हो रहा है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन हो रहा है। इसलिए इन्हें रीओरियंट होने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की नीड पड़ेगी, रीअरेंज होना पड़ेगा। तो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी, अगर बॉन्ड लेंथ में बच्चों बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है, रिएक्शन स्लो हो जाती है। अगर बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी की कम नीड होती है, कम रीओरियंट होना पड़ता है और रिएक्शन क्या जाती है फास्ट, यहाँ पर फिर आउटो स्पोर मैकेनिज्म ज़्यादा जाती है, फास्ट जाती है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने ये समझा कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी की यहाँ पर नीड क्यों पड़ रही है, अदरवाइज फ्रैंक ओडोन किस तरह से रिलेटेड हो गया, वो किस तरह से इसमें पाबंदी लगा पा रहा है कि इस तरह से नहीं हो सकता एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकता, बल्कि उनको रीओरियंट होकर के सेम बॉन्ड लेंथ का सेम ऑर्बिटल की एनर्जी होनी होगी पहले, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा।